नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। अभी तक हम 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल के साथ। उसके साथ साथ मैं और भी आपको 25 से 30 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में रह जाए किए बिना। आपने देखा भी होगा कि जेई के एग्ज़ाम वैसे इजी क्वेश्चन आए थे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब प्रीवियस ईयर रिपीटेड थे ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ही आएंगे, आगे करंट भी आ सकता है और भी अदर टॉपिक से भी आ सकते हैं और प्रीवियस भी आ सकते हैं। तो आपको सब कुछ करना है, प्रीवियस भी करना है। तो अभी कल की जो डेट है वो कह रहे हैं 21, 22, 23 को है, तो आप मान के चलें कि इसी के अराउंड एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 20 दिन है और इन 20 दिनों में मैं आपको, अभी तक 10 हो गए हैं और 25 जब तक एग्ज़ाम होगा, 25 में आपको ये टेस्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ 22 के 22 करंट अफेयर के ज़िले, अभी तक 9 ज़िले हो चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे तो वो आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लाओस जो देश है, लाओस देश जहाँ मोदी ने यात्रा भी की थी, मिले प्राचीन अभिलेख वहाँ के राजा देवक हरियाणा के किस नगर की महिमा का गुणगान किया है। तो लाओस देश से जो अभिलेख मिले हैं उसमें जो हमारे हरियाणा के एक ज़िला है जिसका वर्णन किया गया है वो ज़िला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है किसके अंदर, लाओस देश से मिले अभिलेख के अंदर, ठीक है। कुरुक्षेत्र की स्थापना राजा कुरु के नाम पे हुई थी और ये हमारी धर्म नगरी है। यहाँ पे 360 धार्मिक तीर्थ स्थल हैं और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर में, और महाभारत का युद्ध भी कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक यहीं हुआ था जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोसी की पहाड़ी के किस ज़िले में स्थित है। डोसी की जो पहाड़ी है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर, कुलतांजपुर गांव पड़ता है उस स्थान पे डोसी की पहाड़ी है। डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 652 मीटर, ठीक है। इस स्थान पे 54 ऋषि रहते थे, इसी स्थान पे डोसी और डोसी का मेला भी लगता है। तो प्रश्न आ जाए कि 54 ऋषि आश्रम तो डोसी तीर्थ बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था रेवाड़ी के अंदर। 1857 में इन्होंने महेंद्रगढ़ के स्थान नसीबपुर नामक स्थान पे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। शुरुआत में इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था लेकिन बाद में पटियाला का महाराजा नाभा का महाराजा ने और जो सेनाएं भेजी तो इससे ये पराजित हुए और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे शहीद हुए थे इसी स्थान पे। और राव तुलाराम को कैद करके काबुल भेज दिया गया था। वहाँ पे 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं की मृत्यु तिथि पे क्या मनाया जाता है, हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष लगना शुरू किया हुआ। तो 1987 में पहली बार सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा था। 1 से 15 फरवरी की डेट डिसाइड होती थी, अब अलग अलग डेटों में अभी ये 2 से 17 फरवरी लगा था। अब की बार 33वां सूरजकुंड मेला लगा था जिसके अंदर पार्टनर कंट्री की बात करें तो थाईलैंड था और हमारा थीम स्टेट है वो महाराष्ट्र था, ठीक है। 1987 में सूरजकुंड मेले की जो स्थापना है वो अनंगपाल द्वितीय तोमर शासक, यदि वो ना आए तो आप सूरजपाल तोमर कर सकते हैं। माधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के स्थित है, माधोपुर के शासक माधव सिंह ने ये किला बनवाया था। महेंद्रगढ़ के अंदर ये किला है, राइट है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा में खनिजों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध कहाँ हुआ। तो मैंने बताया कि नसीबपुर महेंद्रगढ़ उस स्थान पे युद्ध हुआ था जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिक शहीद हुए जो क्रांतिकारी थे, और इस स्थान पे अभी शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का फतेहाबाद जिला है जो किसके द्वारा बनाया गया है? फतेहाबाद जो है इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार और फतेहाबाद को अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे इसका नाम पड़ा था। फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार है। और अभी हम बात करें तो 1997 में ये हिसार से अलग होके जिला बना है। शेर शाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो शेर शाह सूरी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर इनका बचपन बीता था। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जो NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो रजिया बेगम का जो कत्ल है वो कैथल के अंदर 1240 में, रजिया जो सुल्तान या रजिया बेगम जो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका, 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी और 1240 में इसकी हत्या हुई थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब प्रांत में कब मिलाया? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1858 में जो है कहाँ मिलाया था हरियाणा को? इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो पंजाब में मिलाया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है 70वें राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के लगभग 1200 गांवों पर कब्जा करने वाला जोरस थॉमस किस देश का वासी था? तो जोरस थॉमस है वो आयरलैंड का वासी था। इसार को दोबारा से इसने बसाया था, आसी को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। कुषाण काल में बनी मूर्तियों का मुख्य केंद्र हरियाणा कौन सा स्थान है? कुषाण काल की बात करें तो रोहतक जो स्थान है वो कुषाण काल मूर्तियों का मुख्य स्थान है। मंसूर बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से था? तो बाबा काशीनाथ हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते थे। सिरसा जिसका प्राचीन नाम सैरिस्कम है, जिसको वन नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरियाणा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा आरएस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम बात करें तो इसका जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर है वो पानीपत के अंदर स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट किस जिले से शुरू किया जाएगा? तो जो स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट की वो शुरुआत है वो हरियाणा के पानीपत जिले से की जाएगी। पानीपत जो प्रसिद्ध तीन लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, 1526, 1556 और 1761, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, तीन लड़ाइयां हुई यहाँ पे। पानीपत बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। देश की पहली जेल जिसमें अटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है हरियाणा के किस जिले से? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अटल सेवा केंद्र खोला गया जींद जेल के अंदर। हरियाणा विधानसभा में प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विधानसभा की हम बात करें तो प्रथम पुरुष अध्यक्ष की हम बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, क्योंकि प्रथम महिला थी सन्नो देवी और प्रथम पुरुष थे राव वीरेंद्र सिंह। वर्तमान में जो हैं वो हैं कंवरपाल गुज्जर, ठीक है। ये हरियाणा की 13वीं विधानसभा है, 14वीं विधानसभा के लिए भी इलेक्शन होंगे। हरियाणा में मसाला मंडी, हम बात करें हरियाणा मसाला मंडी तो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये सोनीपत के कुंडली में मसाला मंडी का निर्माण किया जाएगा। इब्राहिम बार हजारी की मज़ार किस जिले में है? इब्राहिम बार हजारी की मज़ार है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की कौन सा माना जाता है? तो ये अम्बाड़ा छावनी का व्यस्त। सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर जो है 1873 में पहली रेल दिल्ली वाया रेवाड़ी चली थी और स्टेशन का निर्माण भी, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी रेवाड़ी है जिसमें 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। लेकिन वेस्ट की बात करें तो अम्बाड़ा छावनी। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पानीपत रिफाइनरी पर प्रदूषण फैलाने पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 17.31 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे है जो कितने राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बना है? तो 4, हम बात करें NH1, NH2, NH8 और NH10। तो 10 को 8 कर दिया है, 1 को 44, इसको भी 44, 2 को भी, और NH8 को 48 और इसको 9। तो ये 4
जो है नेशनल हाईवे पढ़ते हैं कुंडली मानेसर केएमपी की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था जेई के एग्जाम में, मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। ये क्वेश्चन भी आया था 2017-18 का वित्तीय बजट किसने के द्वारा पेश किया गया, या 2018-19 का भी पूछे तो आप क्या बताएंगे? कैप्टन अभिमन्यु, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करता है। NDRI, लास्ट क्वेश्चन है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है, कब स्थापित किया गया? तो NDRI की स्थापना 1955 में की गई थी। क्लियर है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है। तो ये आज के हमारे लेक्चर के टॉप 25 क्वेश्चन। तो आज 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करना ना भूलें, और आज का जो कमेंट करके जो आपको क्वेश्चन बताना है वो देख लीजिए कि कौन सा है। तो आपको आज बताना है कि खलीलपुर झील हरियाणा के किस ज़िले में पड़ती है, खलीलपुर झील। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि 20 दिन है, एग्ज़ाम आ गया, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये 20 दिन। तो रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें आप अपना जितने भी हथियार हैं वो उठा लें अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।